मुझे तो एक और चीज आपने जो बात बताई है कि ये ब्रेन वॉशिंग का जो एक सिलसिला होता है वो तो सालों साल चलता होगा, समझ नहीं आया कि लोग कहते हैं जी ये बहुत पुराना सिस्टम है ये वो। हमने एज ए सोसाइटी, ये आज मुझे एकदम से हिट किया है कि पीडोफीलिया जो बच्चों के साथ, अस्सलाम वालेकुम, आज एक बहुत ही स्पेशल डे है बिकॉज मैंने अपने वन ऑफ माई फेवरेट पीपल को बुलाया है। जूली, आप सब जूली को जानते हैं, इज़ एन आइडेंटिटी इन हरसेल्फ। मतलब कि अगर कोई दिलेरी से पाकिस्तान में इस टॉपिक पे बात कर रहा है और आप बीती भी पूरी दुनिया को बता रहा है, और उसके अलावा व्हाट जूली डज इज़ कि एक तो दिलेर है, ऊपर से हक सच पे खड़ी हुई है। तो वी आर वेरी बिग फैंस। थैंक यू जूली, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जूली, मैं बहुत दिनों से ये करना चाह रही थी बात इस पर कि हम एज ए सोसाइटी, हमें ये जो पूरा सिस्टम है ख्वाजा सरा का या इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर्स का, हमें कभी समझ नहीं आया कि लोग कहते हैं जी ये बहुत पुराना सिस्टम है ये वो। हमने एज ए सोसाइटी सबको, सबने देखा कि जी बच्चे, यंग लड़के मेकअप करके, तो हम यही दूर से सोसाइटी देखते हैं, हम कहते हैं अच्छा चलो इनके मसले हैं, ये सारे इंटरसेक्स हैं, हमने उनको इग्नोर किया है एंड वी आर ऑल गिल्टी। लेकिन जो अंदर का जो मामला है, जो आपको इनसाइट्स है, हमें थोड़ा सा समझाओगे कि ये है क्या ख्वाजा सरा का और ये कल्चर? देखें, सबसे पहले तो मैं इस बात पर बात करना चाहूँगी कि ये बहुत पुराना कल्चर कह के ना आप, एक तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है। ये कल्चर बड़े सगीर में पाया जाता है, हिंदुस्तान जब यहाँ पे था, ये ख्वाजा सरा कल्चर, गुरु चेला कल्चर वहाँ से है। वरना अच्छा, ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं है? ये सही, अमेरिका में क्यों नहीं है? हाँ। श्रीलंका में क्यों नहीं है? कनाडा में क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है? वहाँ पे तो सारे ख्वाजा सरा हैं भी, तो अपनी जिंदगी खुद गुजार रहे ना। तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ये कल्चर, ये कल्चर है गुरु चेला, गुरु चेले का। ये गुरु चेले का कल्चर क्या है, ये हमें नहीं पता। ये कल्चर, इसको मैं आपको आसान जबान में ऐसे समझाती हूँ कि हमारा जो मुआशरा है, आपको पता है शुरू से डबल स्टैंडर्ड्स रहा है मुआशरे के, शुरू से मुनाफकत का एक असूल रहा है, और फिर हमें रिसर्च की तो जरूरत नहीं पड़ती। हमें जो कोई बात बता देता है, हम पूरे वसूख उसको यकीन करके फिर लोगों को बताते भी हैं कि ऐसे साचा ये, साचा ये झूठ कहाँ से, मुझे खुद किसी ने बताया, किसी ने बताया, हाँ, तो वो किसी की बताई बात को हम यकीन मान लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैंने कितने मुआशरे वालों से पूछा कि जो भीख मंगवाने वाला माफिया जो बच्चों से मंगवाता है, यहाँ पे आपको पता ना बच्चे गवाह करके ले जाते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, यस, उसको क्यों नहीं आप लोग बुरा कहते, उसको आप क्यों कहते हैं ये कि भाई ये तो ज्यादती है, ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये बच्चों के लिए, उनको भी तो कहें कि उनका हक है। क्योंकि जब गुरु चेला की बात आती है, जब ख्वाजा सरों की बात आती है, तो लोगों के सवाल क्या है, अच्छा यार आप लोगों के गुरु कहाँ होते हैं, अच्छा यार मैंने सुना आप लोगों के गुरु ऐसे होते हैं। मैं लोगों से कहती हूँ मेरे माँ बाप के बारे में क्यों नहीं पूछते, ये क्यों नहीं कहते, अच्छा यार आपके माँ बाप कहाँ होते हैं, आपके अब्बू क्या काम करते हैं। जूली, ये पता है बहुत बड़ा एक माफिया का, आई डोंट नो, ये एक ब्रेन वॉशिंग है। पता है मेरा क्या कॉन्सेप्ट था, जो तो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, हमने क्यों नहीं कभी पूछा। हमें ये था कि जी जो इंटरसेक्स बच्चे जिस तरह पैदाइशी होते हैं तो उनको लोग फेंक देते हैं, और फिर ये बेचारे गुरु होते हैं जो उनको संभालते हैं, बाकी बिल्कुल, और फिर उनको परवरिश करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि माँ बाप फेंकते नहीं थे, ये माशाल्लाह से, चूंकि मैंने आपको बताया कि बड़े सगीर में ये कल्चर था गुरु चेला सिस्टम का, और ये हीरा मंडी से निकला था। जब हीरा मंडी में तवायफें रहती थी और मुग़ल बादशाह थे, जहाँ पे आप अक्सर जो ख्वाजा सरा, सॉरी ट्रांस एक्टिविस्ट जो आजकल हैं, वो आपको कहानी शुरू यहाँ से करेंगे कि मुगलिया दौर में तो हमारी बड़ी इज्जत थी। जी ये क्या है, क्या इज्जत थी, मुझे नहीं समझ आया कि क्या इज्जत थी, उस इज्जत को डिफाइन करें कि मुगलिया दौर में जो आपकी बहुत इज्जत थी वो क्या थी। आप स्कॉलर मशहूर थे, आप मुगलिया दौर में भी इंटरटेनर मशहूर थे, ठीक है ना, आपको इंटरटेनमेंट के लिए बुलाया जाता था, नाच गाने के लिए बुलाया जाता था, ठीक है ना, तवायफों की उसके लिए बुलाया जाता था कि भी आप तवायफों के पास जाके तो वहाँ पे दलाल पुना करते थे, ठीक है। तो ये वो बहुत ज़्यादा इज्जत थी मुगलिया दौर में हमारी, जो बाद में हमें मिली। तो ये सिस्टम वहाँ से चला है, मुग़ल बादशाह के दौर से चला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था कि माँ बाप जो ख्वाजा सरा बच्चे थे वो गुरुओं को दे देते थे, गुरु आके बड़े अहतमाम से कहते थे कि भाई ये बच्चा तो हमारे जैसा हमें दे दो, और माँ बाप दे देते थे। अब माँ बाप इस लॉजिक पे दे देते थे कि भाई यहाँ पे मुआशरे में लोग मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, बाप भाई रिश्ता नहीं होता बहन का। ये अब सन 1970 की मैं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है ना, सन 1970-80 में यही चल रहा था। यस, उसके बाद फिर शऊर और तालीम जब आना शुरू हुई तो हम ख्वाजा सराओं ने ये बात उठाई कि भाई क्यों गुरु हमें क्यों उठा के ले जाए, हमारे माँ बाप की शनाख्त क्यों, और मुआशरा बड़े तमाम से पूछता, अच्छा आपके गुरु जो हैं
वो आपको ले जाते हैं, तो अच्छा आपके गुरु आपको होते हैं, तो आपके गुरु आपको करते हैं, तो गुरु ने आपको यूं कहा। मैं हर माशरे के बंदे से पूछ चुके हूँ, क्योंकि मैं गुरु के पेट से पैदा नहीं हुई, मैं अपनी माँ बाप माँ के पेट से निकली हूँ ना, बाप मेरा माँ बाप है, क्यों नहीं पूछता है मुझसे कभी यार जूलिया आपका बाप क्या काम करता था, आपका बाप किधर होता है, आपकी माँ किधर होती है, वो क्या काम करती है, ये सवाल क्यों नहीं है। बिल्कुल, मतलब कि माशरे ने ये तासुर क्यों बना लिया है कि गुरु मेरा सरपरस्त है, अपने बच्चों का आप नहीं सरपरस्त बनाते क्यों? जो आपके घर में मर्द औरतें हैं, अगर गुरु इतने अच्छे होते हैं तो अपने बच्चे भी उनको दे दें। तो मुझे बात पता, गुरु फिर एज अ जैसे एक अडॉप्शन के लिए वो होता है बच्चा, उस तरह का सिस्टम नहीं होता? अडॉप्शन होती है लीगल तरीके से, हम जंगल में नहीं रहते, हम मुल्क में रहते हैं, अडॉप्शन का एक तरीका है, आप जाएंगे अदालत में, आप केस फाइल करेंगे, आप बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, आप उसके जिम्मेदार होंगे। यस, आपने एक 11 साल का बच्चा ले लिया और उसको जिस्म फरोशी पे लगा दिया, उसको भीख मांगने पे लगा दिया, तो ये अडॉप्शन कहाँ से आ गया? ये तो भीख मंगवाने वाला माफिया यहाँ बच्चों को अगवा करके लेके जाता है, तो फिर आप और मैं बैठ के तो ये कहें कि देखें वो भीख मंगवाने वाला माफिया तो अडॉप्ट कर रहा है बच्चों को, वो तो उनको जिंदगी दे रहा है, उतनी जिंदगी दे रहा। कितनी कितनी तुमने इंटरेस्टिंग और सही बात की है कि वही सिस्टम है जो भीख मांगने वाले को हम कहते हैं जी देखो ये होते हैं, ये मतलब शैतानी लोग होते हैं जो बच्चों को इस तरह अगवा कर लेते हैं, तो गुरु चेले में भी तो ये सिस्टम है। हाँ। और कोई लीगल अडॉप्शन नहीं है, नहीं। कोई उनको पूछने वाला नहीं होता कि नहीं। ये बच्चे इस गुरु के पास क्यों जा रहे हैं, और ये क्योंकि वो मर्द औरत नहीं ना, वो आपके अपने घर के बच्चे नहीं है ना, वो तो कुछ नहीं, कुछरों से किसी को फर्क नहीं पड़ता, गुरु उठा के ले जाए, कोई और उठा के ले जाए, फर्क लेकिन तो बॉर्न इंटरसेक्स तो नहीं होते ना सारे, सारे नहीं होते ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो इसी पे लेके जाते हैं ना। हाँ, ये लोगों को बताते हैं कि सारे इंटरसेक्स बच्चे हैं, बैकग्राउंड तो यहीं से सेट हुआ। मैंने आपको बताया कि जो साल 1970-80 की मैं बात बता रही हूँ, उसमें तो बॉर्न इंटरसेक्स जो थे उनको गुरु लेके जाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर 2018 आया, उसके बाद हर बंदा खुसरा बांध सकता है, कानून ने कहा कि भी जिसका जो मुंह से कहे भी मैं खुसरा उसको खुसरा मानो, जो मुंह से कहे मैं कुत्ता उसको कुत्ता मानो, जो कहे मैं बिल्ली उसको बिल्ली मानो, फिर आप तो सब कुछ मानो, जेंडर क्वेयर मानो। तो ये 2018 के बाद ये सीन ये जो शुरू हुआ है ना, ये कि भी हर मर्द भी खुसरा बन रहा है और बकायदा उसको लीगल राइट्स मिल रहे हैं और बकायदा सब कुछ मिल रहा है, ये तो अब शुरू हुआ है। तो मर्द भी, मतलब जो आपसे बात हो रही थी कि 3-4 बच्चों वाले भी मर्द उठ के खुसरा बन के फिर के काम करते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक ये बात बताऊंगी कि ये जो प्रो ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने कितनी ज्यादा किया फौजियों के साथ, ट्रांसजेंडर्स के साथ, क्योंकि जो यूएन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस देख रहे हैं, या ये जो एलजीबीटी एजेंडा देख रहे हैं, इसमें ड्रैग क्वीन कहते हैं उनको, जो मर्द अच्छे खासे मर्द हैं, वो बेस औरत का ले लें मेकअप करके, तो वो ड्रैग क्वीन कराते हैं। सही कह, अगर आपने किसी को ट्रांस वुमन भी कह रहे हैं एलजीबीटी एजेंडे के मुताबिक भी, तो उसकी ट्रांजिशन होना तो इम्पोर्टेंट है ना। एक इंसान है, उसकी सर्जरी आपने करवाई है, उसने पूरा चलो सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया है, वो तो ट्रांस वुमन फिर कराएगा। एक शख्स है, शादीशुदा मर्द है, 4 बच्चे हैं, बीवी है, नौकरी नहीं मिली, उसको लगा खुसरा बन के भीख मांगना आसान है, ठीक है, वो मेकअप करके सड़क पे भीख मांगने लग पड़ा, इशारे पे आपको सिग्नल्स पे नजर आते हैं। कौन मुझे ये बताएं, कभी आप किसी खुसरे को देख लेंगे इतना नमूना मेकअप तो कोई भी नहीं करता कि एक्स्ट्रा एक हैवी मेकअप मजाक वाला और वीक लगा के नकली वाला, क्योंकि वीक आपने भीख मांगनी है तो वो हाँ, तो जब भीख मांगनी है तो वीक और मेकअप की जरूरत क्या है, मुझे ये बताएं। हाँ, ये वैसे भी मांग लें आप सड़क पे भीख ही मांग ली ना आपने, आप वैसे मांग लें, इतना एक नमूना बन के आप खड़े होते हैं और फिर आप उसको खुसरा कह रहे हैं, उसको ड्रैग क्वीन कहें, वो ड्रैग क्वीन है, वो खुसरा तो नहीं है ना। खुसरा आप देखिए, चेहरों पे कहानियां लिखी हैं, आप किसी को भी देख लेंगे आप चेहरे से बता देंगे कि भाई ये खुसरा है, ये औरत है, ये मर्द। ये भी सही बात है, ठीक है ना। नहीं तो लेकिन ये तो बड़ी डिटेल में बात चली गई, इन द सेंस कि ड्रैग क्वीन अलहदा है, ट्रांसजेंडर अलहदा है, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो गुरु चेले में जो बच्चे होते हैं, जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, इनकी क्या स्टोरी होती है, सेंस आपको थोड़ा सा पता है इसकी आइडिया? स्टोरी ये होती है कि देखें, गुरु आपके घरों में आते हैं भीख मांगने। जब वो आपके घरों में भीख मांगने आते हैं तो वो आपके घर की हर चीज़ के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि इस घर में इतने फर्द रहते हैं, इस घर में इतने लोग रहते हैं, यहाँ पे ये काम करते हैं, इनकी इतनी अप्रोच है। गुरु कभी किसी सियासतदान का बच्चा उठा के क्यों नहीं लेके गया खुसरा बनाने के लिए? गुरु किसी अमीर आदमी का बच्चा क्यों उठा के लेके गया? वो हमेशा गरीब घरों से उठा के लेके जाते हैं, वो जो लोअर मिडिल क्लास घर हैं उनके बच्चे उठा के वो लेके जाते हैं, क्योंकि वो उनको ले जाके जब खुसरा बनाते हैं और वो जाके पैसे माँ बाप को पहुँचाते हैं, तो माँ बाप कहते हैं ठीक है, हाय अल्लाह, अगर हमें पैसा मिल रहा है
जिंदगी तो उसकी ख़राब हो रही है, वो किसी मर्द को आपने खुसरा बना दिया है, तो माँ बाप को तो पैसा मिल रहा है। अब लोअर मिडिल क्लास गुर्बत आप देखें ना लोगों के घरों में कितनी है। अब जिनके घरों में खाने को नहीं मिल रहा, उनका एक लड़का खुसरा बन के उनको लाख रुपया ला के दे रहा है, तो उन्हें तो अच्छा लगना है। तो ये जो लड़के लेके जाते हैं, मतलब मुझे तो माँ बाप की ही समझ आती है जो उनको ये कमाई सही लगती है, लेकिन वो अलहदा बात है। लेकिन जो ये बच्चे जाते हैं, कुछ कैस्ट्रेटेड होते हैं, कुछ को कैस्ट्रेट नहीं करते। देखें, गुरु लेके जाता है बच्चों को उठा के, ठीक है ना, फिर वहाँ पे क्लासिफिकेशन होती है हुसन की बुनियाद पे, जैसे तवायफों की होती है। अगर तो वो 10 बच्चों में से 3 बहुत खूबसूरत हैं और सारे कौमी लूत के जो मर्द यहाँ पे पाकिस्तान में बाकायदा पाए जाते हैं, अगर तो वो डिमांड करें कि यार ये वाला बच्चा खूबसूरत है, इसका रेट ज़्यादा है, इस बच्चे का रेट थोड़ा है, इस बच्चे का 500 है, इस बच्चे का 2000 है, तो वो जो 2000 जिस बच्चे का रेट होगा वो तो ऑब्वियसली कास्ट्रेटेड होगा। उसको वो कास्ट्रेशन कराएंगे, उसको फिर वो पूरा ट्रांस वूमन बनाएंगे, ठीक है ना। तो जिस बच्चे का खूबसूरत नहीं है जो बच्चा, वो आपको सिग्नल पे भीख मांगता नजर आएगा, वो गुरु फिर भेजेगा भीख मांगे। अच्छा, मुझे इस बात से जो आपने बात बताई है कि अगर इन्होंने कैस्ट्रेट करा के ही सब करना है, तो वो तो लड़कियां भी होती हैं, वो अलहदा है, वो सिस्टम अलहदा है। जो गुरु कल्चर होता है, इसमें आपने क्या करना है कि पहले एक बच्चे को आपके पास ले आए, ठीक है ना, आपने बच्चे का कच्चा जहन है, आपने उसको ब्रेन वॉश किया है अच्छे तरीके से, आपने उसको ब्रेन वॉश करके तुम तो लड़की हो, तुम तो बड़ी खूबसूरत लड़की बनोगी, तुम तो ऐसे बनोगी, देखो आज तुम्हारे लिए मैं एक तमाशबीन बुलाऊंगी, एक आशिक बुलाऊंगी, देखना वो जी तमाशबीन आके आशिक बैठ गया है, वो उसको देख रहा है, वो उसका रेट लगा रहा है कि यार इसके तो इतने मैं पैसे दूंगा, इसके तो मैं इसको मैं पक्का रख लूँगा, ठीक है ना, ये बच्चा आज के बाद मेरा है, इसका खर्चा मैंने अफोर्ड करना है। गुरु का जो सारा सिस्टम है ना, वो मर्दों के सर पर चलता है, ये बिल्कुल ग्राहकों के सर पे चलता है, तमाशबीनों के सर पे चलता है, वरना गुरु की क्या हैसियत है, गुरु कौन है? हम क्यों इन सारी चीजों की बात करते हैं? एक्चुअली गुरु को भी, जिस जो भी हमारे बच्चे इसमें जाते हैं, जो आदमी वहां पर जाते हैं इन बच्चों को यूज अब्यूज करने, और नंबर तो मुझे तो एक और चीज आपने जो बात बताई है कि ये ब्रेन वॉशिंग का जो एक सिलसिला होता है, वो तो सालों साल चलता होगा कि जी तुम लड़की हो, तुम प्यार देखो किस तरह तुम्हारे से मोहब्बत हो गई है, या फिर इस तरह कहते होंगे ना कि देखो तुम्हारे पे आशिक हो गया है, वो तो मरता है पैसे तुम्हारे पीछे, मरते वो तो तुम्हारे पीछे जान देने को तैयार है बेटा वो तो। और वो मर्द जो है HIV की रेशो आप ख्वाजा सराओं में देख लें कितनी ज्यादा है, 16-17 साल के बच्चे जो ख्वाजा सरा है उनके अंदर HIV की रेशो देख लें कितनी ज्यादा है। तो ये भी कोई चेक नहीं है HIV का? वो चेक ये है कि जितने ये ट्रांस एंड प्रो ट्रांस LGBT के, वो उनके घरों में पहुंच जाते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अंडर एज हो, चाहे वो बेचारा। हाँ नहीं, वो तो एक नॉर्मल है उनके लिए ना, वो तो कहते हैं कि बड़ा नॉर्मल है। तो अब तो आपको पता है हर चीज में तो वो टर्म्स निकल आई हैं, रेसिस्ट निकल आया है। तो अब तो आप जो है वो एंटी ट्रांस हैं, तो आप तो फलाना मुझे तो नाम पेट्रियाकल हैं, पेट्रियाकल पेट्रियाकल सिस्टम से है ना, कि आप क्यों उसको कहते हैं, सबका राइट है, मतलब ये अब सब राइट है। अब आप देखिए ये जो हमारा गुरु कल्चर है, इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट पीडोफीलिया का है। ये आज मुझे एकदम से हिट किया है कि पीडोफीलिया जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है, ज्यादती नहीं, अब कंसेंशुअल सेक्स हो रहा है, ये बहुत दहाइयों से हो रहा है। ये तो मुझे ये लग रहा है बिकॉज गुरु चेला कल्चर इज नॉट न्यू। हमारे बड़ी माँ में भी 11 साल का बच्चा आया है, उसके माँ बाप छोड़ के गए कुछ घर उसे। क्या नॉर्मल लड़का है या? मुझे इतना पता है कि वो 11 साल का बच्चा है, वो 11 साल का, और उसको उसके माँ बाप गुरु के घर छोड़ के गए। 11 साल के बच्चा, चाहे वो छोड़ दें ख्वाजा सर, मतलब इंटरसेक्स है नहीं है। मैं मौशे का एक माइंडसेट बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। उनको लगता है कि जो असल ख्वाजा सरा है उसको तो ये सब करना चाहिए, उसको नाचना भी चाहिए, उसको ये काम भी करना चाहिए, नकली के लिए गलत है। यस, नो नो नो, असली नकली, यही तो मैं कह रही हूँ। चाहे वो जो एक बच्चा है 11 साल का, माँ बाप कैसे उसको छोड़ के गए हैं भाई, और एक ऐसे, मतलब I'm also part of the problem because मैं समझती थी कि गुरु प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को, प्रोटेक्शन होती है उनको, उनकी ना, मतलब कि उनको पैसे जैसे मिलते हैं, अच्छे लोग देते होंगे, ये देखे ना हमारा माइंडसेट, हमें इस तरह ब्रेन वॉश किया हुआ है। और वो जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको खाना पीना करते हैं। देखो मेरे दिमाग में ये था, जो आई एम श्योर बहुत से लोगों के दिमाग में होता होगा, एक्चुअली ये जो आप बता रहे हो, ये तो पिम्स हैं जो प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं, और ये पीडोफीलिया है। 18 साल से कम बच्चा जो भी हो, लड़की लड़का, इंटरसेक्स, ख्वाजा सरा, ये सारे बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है, दिस इज पीडोफीलिया। एक मतलब हराम तो बहुत छोटी चीज है ना, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या वर्ड यूज करूँ। हाँ जी, और इतना डबल स्टैंडर्ड है इन
प्रो ट्रांस एक्टिविस्ट का कि वैसे 18 साल से पहले कंसेंट नहीं है, हाँ। लेकिन आपने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करनी तो वो 18 साल से पहले बच्चे की हो सकती है, उसमें कंसेंट है। 7 साल में कर लो, 8 साल में कर लो, उसमें कंसेंट है, आप बच्चे उसमें कंसेंट है। यही तो देखिए, ये जो टू फेस सॉर्ड है ना, कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि वेस्ट में अब लोग, क्योंकि बहुत देर से वेस्ट में स्टार्ट हुए हैं, जितने बच्चे जो इसमें फंसे थे ना ट्रांजिशन में, वो अब डी ट्रांस हो रहे हैं, उनके साइकोलॉजिकल मसले हो रहे हैं, सुसाइड रेट्स इतनी बढ़ गई हैं, लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि एक बचपन, जैसे बचपन में कोई टॉम बॉय की नहीं वो गुजरता, नॉर्मल एक लड़का है, नॉर्मल लड़की है, वो एक स्टेज से गुजरे हैं, वो कहते हैं जी आप तो इसीलिए गुजरे हैं, आपके मसले ये हो रहे हैं क्योंकि आप एक्चुअली ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, आपके ये जेंडर डिस्फोरिया है आपको, तो लोग बच्चों को ये अलाउ कर रहे हैं। बाय द वे, कुछ ममालिक हैं जहाँ पर ये बैन हो रहा है बिफोर 18, लेकिन ये एक चीज हो चुकी है स्टार्ट, और यहाँ पर भी अपेरेंटली हो रही है, बच्चों के साथ भी हो रही है, आप कह रहे हो ना। 2018 ख्वाजासरा एक्ट बना है, 2018 ट्रांसजेंडर एक्ट ना, ट्रांसजेंडर एक्ट जो शरीयत कोर्ट ने कहा है कि अन इस्लामिक है, उस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में इन्होंने क्यों नहीं लिखा कि 18 साल से पहले रीअसाइनमेंट सर्जरी बच्चा नहीं कर सकता, उसकी कंसेंट कंसीडर नहीं की जाएगी, क्यों नहीं कहा इन्होंने, क्यों नहीं कानून बनाया, बिकॉज़ ये पीडोफिलिया की तरफ लेके जा रहे हैं, हाँ, ये बच्चों के साथ सब कुछ करना चाह रहे हैं, अनकरीब आपको पीडोफाइल्स भी हक लेते नजर आएंगे। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप जूली, यही होता हमें नजर आ रहा है, बाहर हो रहा है ऑलरेडी। पीडोफिलिया का नाम आप ये नहीं ले सकते, अमेरिका में उनको होता है मैप, माइनर अट्रैक्टिव पर्संस, क्या बकवास है यार, आप एक बच्चे को जो जिसको ये नहीं पता कि रोटी साथ कैसे खाते हैं, आप उसके साथ उसको कह रहे हैं कि इट्स ओके कि एक 60 साल का आदमी उसके साथ अगर सेक्स करना चाहे, इट्स ओके। आई एम सॉरी, मैं ये बात कर रही हूँ या जूली करे, कोई आई थिंक मस्ता ये है कि कोई स्कॉलर इसके बारे में बात नहीं कर रहा। आधे से ज्यादा बच्चे घर में अब्यूज होके आते हैं, चाचा मामा ताया बाप भाई, ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो, हम इस पे क्यों नहीं बात करते, चाइल्ड अब्यूज पे क्यों नहीं बात करते, इसीलिए वो बच्चे साइकोलॉजिकली इतने डरे हुए होते हैं, इतने सहमे हुए होते हैं, इंटरनलाइज किया होता है कि हम इस काम के लिए बने, कितने मर्द आके कहते हैं कि तुम लोग तो बने इस काम के लिए, सिंध में आप चली जाएं, सिंध में बकायदा तौर पे ये रिवाज और ये बात लोग करते हैं कि कुछ रहे बने इस काम के लिए, और किस काम के लिए बने, ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि लोगों को नहीं पता, क्यों आपके घरों में आपके मोहल्लों में डेरे बने हुए कुसरों के दिन रात वहाँ मारदा आ रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से बताया जाए क्या काम होता है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं, मौशा कैसे इनकार कर सकता है, कोई एक मर्द मुझे बताया कि कोई एक मोहल्ला मुझे लेके जाए वहाँ पे, वो लोग बताएं कि जी यहाँ कुसरों का घर है लेकिन हमें पता नहीं यहाँ क्या होता है। सिर्फ आप लोग बोलना नहीं चाहते, सिर्फ आप लोग बात नहीं करना चाहते, पता सब है आपको, किस कब लोगों को ये पता था कि भी गुरु चाहे वो स्कूल भेज रहे हैं, किस वजह से आप बच्चे को गुरु को स्कूल भेजते देखा था कि उन्हें यही लगता था कि वो गुरु स्कूल भेजता है। आप सही कह रहे हैं, आपके घरों में बच्चे लेके वो भीख मांगने आ रहे हैं आपके सामने, वो कह रहे हैं नवी चेला आई है मेरे को, और नवी चेला मैं लेके आई हूँ, आपने तो नहीं सवाल पूछा कि नया चेला कहाँ से लेके, उसके माँ बाप किधर है, ये कौन है, इसको या साथ ले आया स्कूल क्यों नहीं भेजा, ये कोई नहीं उनसे सवाल पूछता, ये सब झूठ है कि भाई मुआशरे को पता ही नहीं था, मुआशरा अनजान था, मुआशरे की इंटरेस्ट नहीं था। मैं शर्त लगाती हूँ आज किसी अमीरजादे का बच्चा ले जाकर गुरु खुसरा बनाए, फिर मैं देखती हूँ कि किसी को पता चलता है कि नहीं चलता, मैं देखती हूँ वो खुसरा इस दुनिया में रहता है कि नहीं। ये सिर्फ गरीब आवाम को टारगेट करते हैं, खुसरे बड़े तेज हैं, ये जो बड़े गुरु होते हैं गरीब बच्चों को लेके जाते हैं, उनको ट्रांजेक्शन करके उनको तवाइफें बनाते हैं, तवाइफें मतलब जो रात को फंक्शन आप देखती हैं, आ गई है, ये तवाइफें नहीं है, रात को लोग इनके ऊपर इतना पैसा मांग रहे हैं, यूट्यूब पर सरेआम हम प्रोग्राम देख रहे हैं। हाँ, ये बाय द वे आई हैव सीन दिस एज वेल, मैंने तो एक जगह ये भी कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान की औरतें डूब के मर जाएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तवाइफ खुसरा है, और वो ये कहते हैं ना जो ट्रांसजेंडर्स के सारे वो हैं, कहते हैं क्या ये तो सड़ते हैं बिकॉज ख्वाजा सर, ये जो सारी तवाइफ हैं ये अभी ख्वाजा सर बनी है तो ये बहुत सड़ते हैं, सड़ने की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस मुल्क के आदमी आदमी किस तरह के हो गए, नहीं सड़ते क्या मतलब, इज्जतदार पाकिस्तान में कोई नहीं बचा, मतलब कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तवाइफ बनूं, रात को 100 बंदा आके मेरे पे पैसे फेंक कर मुझे, वाह ये हुई ना बात, किसने ये कहा कि भी मेरी ख्वाहिश थी और मैं उस जगह पे नहीं पहुंची तो मैं सड़ती हूँ, क्यों आप एस्थेटिक क्लिनिक खोले, मैं अपना नाक बदलवा सकती हूँ, मैं होंठ बदलवा सकती हूँ, मैं आंखें, मैं अपना सब कुछ बदला के नाचने भी जा सकती, लेकिन कोई इज्जतदार भी इस दुनिया में मौजूद है पाकिस्तान में कि नहीं, हर इज्जतदार बंदे को ये कहना कि वो जलता है, क्या बात है, ये तो बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, ये मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ। आप यहाँ पे एक औरत चाहे उसके 3 मिलियन व्यूज हो जाए और मैं उस पर एतराज करूँ तो सब कहेंगे ये जलती उससे, ये बात समझे जो मुझे आज समझ आई है, ये जूली ने मुझे समझाई है।
कि ये जो कहते हैं ना कि जी आप जलते हैं जब हम कोई बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम वी वॉन्ट टू बी लाइक देम। ये कोई हमारा स्टैंडर्ड है कि हम सारे जो बात कर रहे हैं हम सड़ने के लिए कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये हम कभी एक इज्जतदार जो ये बात करे, इज्जतदार औरत या मर्द या ख्वाजा सरा या खुसरा जो भी, कभी वो लाइफ नहीं चाहेगा। हर इंसान के कुछ असूल होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। आप ये तो नहीं कभी आप गिरा हुआ बने और आप कहें जी जलते हैं। क्या बात की है, मुझे तो समझ आई ये बात, और सबको समझ आनी चाहिए। कसम से ये कोई गलत काम करके बड़ी व्यूज आ गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई सेलिब्रिटी है या कोई समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। आप देखें जो आप कर रहे हैं, आप माशरे की बेहतरी के लिए कर रहे हैं या माशरे को मजीद गिरा रहे हैं, या कोई अच्छा चीज अच्छी काम कर रहे हैं जिससे लोगों की फलाह हो रही है या लोगों का नुकसान हो रहा है, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है। ये हिम्मत सिर्फ एक पर्सन में दिखे। एक ये जलने वाला लफ्ज कहां से है मुझे ये बताएं सोसाइटी में। मतलब नाच रही है और मुझे लोग कहने की तुम जलती हो, तुम चूंकि तवाइफ नहीं बनी, तुम तवाइफ उस जगह पे नहीं पहुंची। इज्जत और बेइज्जती का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि भाई आप नाचना इज्जत है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। आप क्या अल शैतान को कहें कि शुक्र है शैतान का कि भी मर्द मुझे रात को सारे पसंद करके गए। ये कौन सा इज्जत का स्टैंडर्ड और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कौन मुसलमान ये करता है? यू आर ब्रिलियंट, क्या बात कर रहे हो, बिकॉज यही डबल स्टैंडर्ड्स है। हर कुछ करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कब्र सर पे दुपट्टा लेके बैठे हुए सारे। मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात, जनरली हमारी सोसाइटी में देखें औरतें मर्द सारा कुछ करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। मतलब जहाँ पे एक लड़का है इंटरनेट पे, उसने अपने व्यूज पे मूछे और सर मूंड दिया, ठीक है, मूछे और सर मूंडने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्या अब कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी सर और मूछे मुंडवा के, मुझे इतने व्यूज मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल कर दूं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन मुसलमान बेशर्म मुसलमान उसके अल्हम्दुलिल्लाह पे उसको एतराज नहीं कर रहा, उसको टोक नहीं रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह किस बात पे। ये बिल्कुल सही बात है, आप अल्हम्दुलिल्लाह सही बातों पे करें और माशरे के लिए जब कुछ बेहतरी करें तो तब अल्हम्दुलिल्लाह कहना बनता है, अदरवाइज नो। सो वी आर गोइंग टू ज्वाइन जूली इन अनदर सेशन। अभी दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी, जब ये बातें करती है तो मुझे खुद रियलाइज होता है कि ओ आई नेवर अंडरस्टूड दिस, शी इज मेड मी अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स टुडे। ये पता है जब दिल जला होना, जो 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 जूली ने चीज़ें देखी हैं जिंदगी में और अभी भी वो हक के साथ खड़ी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो इस शी हैज़ द गट्स कि वो सबको आके बताती है कि ये देखो शीशा देखो मेरा भी, क्योंकि मैं भी सोसाइटी का पार्ट हूँ और मुझे भी आई थिंक इतने सालों से वो चीज़ें नहीं पता थी जो आज मुझे पता चली। सॉरी आखिरी बात, मैं आखिरी बात कर दूंगी, मुझे ये बताएं, मैं सन 1990 की पैदाइश हूँ, सन 1990 में नाचने वाले को कंजर कहते थे, घर वाले घर से निकाल देते थे, मेरे लिए नाचना बुरी बात थी। हम लोग क्यों लड़े कि भाई हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, हम नौशर में क्यों इतनी तहरीक लेके आए कि तालीम दो हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे हम अफसर बनेंगे। अगर नाचने में अल्हम्दुलिल्लाह था और नाचने वाला स्टार था तो फिर मैं तो नाच ही रही थी, मैं जितने भी खोती होती आंख खोती, मतलब मैं डॉक्टर इंजीनियर से वापस अब नाचने वाली बनूं, मैं वापस आके दोबारा नाच का अल्हम्दुलिल्लाह कहूं। बिल्कुल सही बात कर रही हो, ये कौन सा मौसम ने खेल खेला मेरे साथ? बिल्कुल सही बात, अपने घर के बेटे बेटियां नाचने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह भी उतर आए आप लोग। हमें आप लोगों ने सारी जिंदगी कंजर कह के खुसरा कह के हमें मौसम में शामिल नहीं होने दिया कि ये नाचने वाले लोग हैं। अब जब अपने टिकटॉक की बेटियां बेटियां नाच रहे हैं सब नाच रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम बेवकूफ थे कि जो हम डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए इतना लड़े। मेरी तारीख तो सारा जाया गई, मेरा दिल इसलिए जला हुआ कि भाई मैं 10 साल जेल काटी, मैंने मारे खाई क्या कुछ किया सिर्फ इसलिए कि भाई हम कल को डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। और जब डॉक्टर इंजीनियर हम बनने लगे तो आप लोग वापस नाचने पे शुरू हो गए, आपने मुस्तकबिल बनाना सारा डांस के ऊपर कर दिया कि भाई उसका डांस कैरियर बड़ा अच्छा, डांसर बड़ा अच्छा। मेरे साथ ये कौन सा खेल खेला है मौशरे ने? शी समड इट अप वेरी वेल, वी शुड ऑल लुक इनटू द मिरर, व्हाट वी आर डूइंग इन द सोसाइटी, वी नीड टू रियली लुक एट आवरसेल्व्स। वी विल जॉइन यू फॉर द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह।